एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव में कौन है? प्रेसिडेंट, और यहाँ पे जो दिस इज लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर में एक है अपर हाउस और एक है लोअर हाउस, और यहाँ पे है जुडिशरी, और जुडिशरी में है जजेस, एंड देर आर 9 जजेस इन जुडिशरी। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट होती है, वो होती है दो चीजों पर मुश्किल। नंबर वन एग्जेक्टिव, और नंबर टू उस एग्जेक्टिव को सपोर्ट करने के लिए, टू सपोर्ट द एग्जेक्टिव, यहाँ पे कैबिनेट। गवर्नमेंट में क्या होता है? एग्जेक्टिव, और एग्जेक्टिव को सपोर्ट करने के लिए कैबिनेट। तो मैंने तुम्हें ये बताया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि लेजिस्लेचर का एग्जेक्टिव के साथ एक रिलेशनशिप होता है, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर का एग्जेक्टिव के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता। मसलन अगर हम बात करें हमारे एग्जेक्टिव की, हमारा एग्जेक्टिव कौन है? पीएम, और पीएम हमारी लेजिस्लेचर का हिस्सा होता है, पीएम नेशनल असेंबली का पार्ट होता है, और पीएम के डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, पीएम के डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, लोग बनाते हैं एमएनए, और एमएनए बाद में बना लेते हैं पीएम। लेकिन जो यूएस का एग्जेक्टिव है वो है प्रेसिडेंट, और वहां पे प्रेसिडेंट के डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। उसके बाद जो हमारे पीएम की कैबिनेट है वो आती है लेजिस्लेचर से, या अपर हाउस से, या यहाँ पे लोअर हाउस से। लेकिन उसके प्रेजिडेंट कैबिनेट है वो यहाँ पे नहीं आती, लोअर हाउस से या अपर हाउस से, ठीक है? बिकॉज यू लेजिस्लेचर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम यूएस कैबिनेट, बिकॉज वहां पे जो कैबिनेट है कहते हैं किचन कैबिनेट, ठीक है? एग्जेक्टिव फिर होता क्या है? अब बैलेंस कैसे होता है? फिर बैलेंस कैसे होता है? बैलेंस इस तरह होता है कि अगर लेजिस्लेचर बिल भेजे एग्जेक्टिव के पास और ये बिल गया, तो ये बिल दोबारा जो है वो इधर आ जाता है लेजिस्लेचर के पास। प्रेसिडेंट अगर बिल को वीटो कर दे तो दोबारा आ जाता है लेजिस्लेचर के पास। अगर वही बिल लेजिस्लेचर दोबारा 3/4 मेजोरिटी के साथ पास कर ले, सॉरी, अगर वही बिल दोबारा लेजिस्लेचर 2/3 मेजोरिटी के साथ पास कर ले, शाबाश, यही बिल अगर लेजिस्लेचर इसको प्रेजेंट दोबारा 2/3 मेजोरिटी के साथ पास करे, तो ये जो वीटो है ये वीटो खत्म हो जाता है, और इस वीटो को कहते हैं फिर क्वालिफाइड वीटो, क्योंकि ये वीटो क्या हो गया? क्वालिफाइड वीटो हो गया है। और अब जो बिल होता है फिर उसको प्रेजिडेंट के पास पास होने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ती, वो यही नीचे पास हो जाता है और वो बिल लॉ बन जाती है। तो अब ये जो चेक लगाया था प्रेसिडेंट ने, अब ये चेक लेजिस्लेचर उसको क्या कर देगी? बैलेंस कर देगी। ओके, ओके, नेक्स्ट।
नेक्स्ट ये है कि एक चीज होती है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर लेजिस्लेचर कोई बिल भेजे प्रेसिडेंट के पास पास होने के लिए और प्रेसिडेंट ना उसको पास करे ना ही उसको वीटो करे, कोई डिसीजन ही ना करे, बल्कि उस बिल को क्या कर ले, लपेट के पॉकेट में डाल ले, पॉकेट वीटो हो गया। और अगर 10 दिन प्रेसिडेंट उसके ऊपर कोई भी डिसीजन ना ले तो वो बिल समझो कि प्रेसिडेंट की जेब में क्या हो जाता है, स्क्रैप हो जाता है। एनी ओ ये भी एग्जेक्टिव का चेक है किसके ऊपर, लेजिस्लेचर के ऊपर। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो या कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर बहुत जरूरी हो, नहीं, फिर जरूरत नहीं पड़ती, फिर रुपये उधर नीचे ही पास हो जाता है, खत्म हो गया बिल, फिर वो बिल खत्म हो गया, वो लॉ ही नहीं बनता, खत्म हो जाता है, यहीं पे खत्म हो जाता है वो बिल, कहानी खत्म। इमरजेंसी सिचुएशन में ये जो एग्जेक्टिव है ये ऑर्डर पास कर सकती है। इमरजेंसी सिचुएशन में ये जो एग्जेक्टिव है, जो प्रेसिडेंट है, वो ऑर्डर पास कर सकता है। अब उस ऑर्डर को हम क्या कहेंगे, एग्जेक्यूटिव ऑर्डर, ठीक है। और ये जो ऑर्डर होते हैं ये लेजिस्लेचर को बाईपास कर देते हैं, ये जो ऑर्डर होते हैं ये लेजिस्लेचर को बायपास, लेजिस्लेचर के सामने कुछ भी नहीं करती, इन ऑर्डर्स को एक अथॉरिटी रोक सकती है, और वो अथॉरिटी होती है अगर जुडिशरी को लगता है प्रेसिडेंट का ये जो ऑर्डर है ये इलीगल है, तो वो उस एग्जेक्टिव ऑर्डर का करेगी जुडिशियल रिव्यू, और जुडिशियल रिव्यू करके यहाँ पे इसको जुडिशियल वीटो कर देगी। ठीक है, ओके। अब आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर प्रेसिडेंट तो ज्यादा नहीं ओवर पावर्ड हो गया, अब आपको लग रहा होगा कि सर प्रेसिडेंट तो ज्यादा ओवर पावर्ड हो गया, तो इसको हम ठीक करते हैं। देखो, प्रेसिडेंट ने जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज करनी है, प्रेसिडेंट ने जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज करनी है वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, उसको लेजिस्लेचर में जो अपर हाउस है उससे इजाजत लेना पड़ती है। अगर सेनेट उसको इजाजत ना दे तो प्रेसिडेंट वो इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं कर सकता। मसलन जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई, जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई, 1 एंड हुई, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट था विल्सन। अब विल्सन ने बहुत रोल प्ले किया था यहाँ पे लीग ऑफ नेशन बनवाने में, तो जब उस लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन करने का टाइम आया तो इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करनी थी ना यूएस ने, तो यहाँ पे सेनेट ने अलाउ नहीं किया था और यूएस वाज नॉट द पार्ट ऑफ लीग ऑफ नेशन। और ये हिस्ट्री के अंदर इतना बड़ा एमसीक्यू है कि अगर अमेरिका सेकेंड लीग ऑफ नेशन का पार्ट होता तो शायद दुनिया में वर्ल्ड वॉर, अभी जो आपको प्रेजेंट ओवर पावर लग रहा था, एग्जेक्टिव ने अगर किसी भी वॉर में जाना है तो ये वॉर का डिसीजन भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, इसको लेजिस्लेचर के अपर हाउस से इजाजत देना पड़ेगी। ये जो प्रेसिडेंट आपको ओवर पावर लग रहा था,
ये एग्जेक्टिव जब अपनी कैबिनेट बनाता है, ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कैबिनेट बनाता है, अपनी मर्जी से वो बंदा नॉमिनेट करता है कि भाईजान मैंने इस बंदे को अपनी कैबिनेट का पार्ट बनाना है, लेकिन उसकी नॉमिनेशन को जो अप्रूव करना होता है अगेन वो सेनेट करती है। तो वो जो प्रेसिडेंट आपको पावर लग रहा था, ये अब चेक करो, लेजिस्लेचर का चेक है प्रेसिडेंट के ऊपर, लेजिस्लेचर का चेक है प्रेसिडेंट के ऊपर, लेजिस्लेचर का चेक है प्रेसिडेंट के ऊपर। उसके अलावा जो जुडिशरी है ना, जुडिशरी उसके 9 जजेज हैं, और जो इनकी टर्म है वो टर्म है इनकी जब तक, जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक ये जजेस रहेंगे, कोई इनको हटा नहीं सकता। हाँ, अगर कोई फोर्थ हो जाता है तो फिर जो नया जज अपॉइंट करना है, जो न्यू जज अपॉइंट करना है, उसको भी नॉमिनेट प्रेजेंट कर, नॉमिनेट उसको प्रेजेंट करेगा, लेकिन जो अप्रूवल है अगेन वो किसे लेनी है, सेनेट से लेनी है। जी, तो ऐसे ही है। यहां तक जी सारे समझ आ गए? ओके। अच्छा, अब जुडिशरी के पास क्या पावर है? जुडिशरी के पास ये पावर है कि जुडिशरी लेजिस्लेचर के बिल को, जुडिशरी लेजिस्लेचर के बिल को और प्रेसिडेंट के एग्जेक्टिव ऑर्डर को रिवर्स कर सकती है। जुडिशरी लेजिस्लेचर के बिल को और प्रेसिडेंट के एग्जेक्टिव ऑर्डर दोनों को रिवर्स कर सकती है, एग्जेक्टिव लेजिस्लेचर जुडिशरी। अब जुडिशरी का इसके ऊपर भी चेक है और जुडिशरी का इसके ऊपर भी चेक है। कैसे? कि लेजिस्लेचर के किसी भी बिल का वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है और जुडिशरी एग्जेक्टिव के किसी भी बिल का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है और वो इनके बिल को कर सकती है, उस वीटो को कहते हैं जुडिशियल वीटो। अब वो बच्चे जुडिशरी के ऊपर है ना चेक, कि अगर जुडिशरी का कोई जज फोर्थ हो गया, ठीक है ना, तो जो नए जज की अपॉइंटमेंट होनी है, ये देखो एग्जेक्टिव का भी उसके ऊपर चेक है और जुडिशरी का भी उसके ऊपर चेक है, कि जो न्यू जज की अपॉइंटमेंट होनी है, नॉमिनेट तो एग्जेक्टिव ने करना है ना और अप्रूव जुडिशरी ने करना। और बाकी जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, लेकिन एक अथॉरिटी ऐसी है, एक अथॉरिटी ऐसी है लेजिस्लेचर, इन द एंड वो प्रेसिडेंट को भी फारिग करवा सकती है और वो जुडिशरी के जज को भी फारिग करवा सकती है, के साथ इवन कि यहाँ पे एग्जेक्टिव भी फारिग हो सकता है और यहाँ पे जुडिशरी भी फारिग हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ जब इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू होता है तो पहले वो होता है लोअर हाउस में, लोअर हाउस में स्टार्ट होता है इम्पीचमेंट प्रोसेस, और अगर लोअर हाउस में सिंपल मेजोरिटी के साथ लोग वोट कर दें ठीक है जी इस प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दें, वो प्रेसिडेंट इम्पीच होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो प्रेसिडेंट इम्पीच होता है, लेकिन वो अपनी जो वर्किंग है वो कंटिन्यू रखता है एज प्रेसिडेंट। इम्पीच होता है लेकिन वो एज ए प्रेसिडेंट। अगला स्टेप होता है उसको ऑफिस से रिमूव करना। ये जो है
इसके लिए पहले एक जुडिशियल काउंसिल बैठती है और जुडिशियल काउंसिल रिव्यू करती है, जुडिशियल काउंसिल इसको रिव्यू करती है। अगर जुडिशियल काउंसिल कह दे कि इसको रिमूव कर दें तो प्रेसिडेंट फिर भी रिमूव नहीं होता। इस डिसीजन पे सेनेट में वोटिंग होती है और अगर यहाँ पे 2/3 सेनेटर भी कह दें कि ठीक है प्रेसिडेंट को ऑफिस से रिमूव कर दें, उसके बाद वो ऑफिस से रिमूव होता है। इम्पीचमेंट प्रोसेस में पहले लोअर हाउस से इम्पीच होता है, उसके बाद फैसला इम्पीच्ड हो जाता है यहाँ पे। और ये जितने भी आपको यूएस प्रेसिडेंट मिलते हैं ना, जैसे निक्सन था, निक्सन इम्पीच हुआ था ओवर वाटर ठीक है, अब ही बस इम्पीच, लेकिन इसको ऑफिस से रिमूव नहीं किया गया था, इसने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद आपको मिलेगा क्लिंटन, क्लिंटन के ऊपर एक सेक्स स्कैंडल था और एक लड़की थी मोनिका लिवनस्काय, आप इसकी वजह से, इस सेक्स स्कैंडल की वजह से ही वाज इम्पीच्ड, बट अगेन ही वाज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस। इन केस ऑफ ट्रंप अगेन ही इज इम्पीच्ड बट ही हैज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस। सो इन द एंड अगर आप देखो तो आपको लगेगा कि ये जो तीनों इंस्टीट्यूशंस हैं ये आपस में एक ट्रायंगल के साथ कनेक्टेड हैं और इस तरह कनेक्टेड हैं कि कोई भी अपनी डोमेन से बाहर ना जाए और कोई भी एक सिंगल इंस्टीट्यूशन ओवर पावर्ड ना हो जाए ठीक है, ताकि जो जुडिशरी है वो अल्लाह माफ करे डैम बनाने ना लग जाए, और जो लेजिस्लेचर है वो एग्जेक्टिव के काम ना करने लग जाए और एग्जेक्टिव जुडिशरी के काम ना करने लग जाए। नहीं, गवर्नमेंट उसको क्यों बे नहीं करेगी, मैं कह रहा हूं कि जब वो ऑफिस में होता है इम्पीच होने के बाद जब वो ऑफिस में होता है ही सेम एक्ट्स लाइक प्रेसिडेंट, जैसे ट्रंप है ना, ट्रंप पूरे के पूरा प्रेसिडेंट नहीं है, बात होगी जब वो ऑफिस से रिमूव होगा, पहले लोअर हाउस में इम्पीच होगा, उसके बाद जुडिशियल काउंसिल में डिसीजन होगा, जुडिशियल काउंसिल के डिसीजन पे सेनेट की वोटिंग होगी। अगर 2/3 सेनेटर भी उसको कह दें कि ठीक है तुम जाओ, इसका मतलब है कि अगर घर में पुप्पो को कहना है कि पुप्पो आप जाएं हमारे घर से, तो बाबा भी कहें, मामा भी कहें, छोटे छोटे बच्चे भी कहेंगे पुप्पो अल्लाह का वास्ता है, टूरो शाबाश निकल जाओ। तो यहाँ पे लोअर हाउस भी कहे, जुडिशरी भी कहे, उसके बाद सेनेट भी कह दे कि ठीक है यार जा मगरूल है, उसके बाद वो ऑफिस से रिमूव होगा, अदरवाइज ही वुडंट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस। देयर इज गवर्नमेंट ऑफ द यूएस जिसमें तीनों इंस्टीट्यूशन इस तरह एम्बेडेड हैं कि हर इंस्टीट्यूशन के काम को दूसरा इंस्टीट्यूशन इस तरह चेक करता है कि कोई भी एक सिंगल इंस्टीट्यूशन ओवर पावर्ड ना हो, ताकि तीनों के दरमियान, एक मैं वर्ड लिखने लगा हूं, एक वर्किंग बैलेंस मेंटेन रहे जिसके साथ वो एसन तरीके के साथ यूएस की गवर्नमेंट को चला सके। तो यार इम्पीच का क्या फायदा है, प्रोसेस का हिस्सा है ना वो, इम्पीचमेंट फर्स्ट हिस्सा है प्रोसेस का। जी, वो तो सेम ही होता है।
यूएस हिस्ट्री में सिर्फ एक ही मुश्किल टॉपिक है, एक ही मुश्किल टॉपिक है, एंड दिस टॉपिक इज कॉल्ड यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. दिस इज द ओनली डिफिकल्ट टॉपिक इन यूएस हिस्ट्री, बिकॉज यूएस में दो किस्म के इलेक्शन होते हैं. एक होते हैं पॉपुलर वोट, एक होता है इलेक्टोरल वोट. और जो प्रेसिडेंट को जीतना होता है वो इस इलेक्टोरल वोट की बेस पे जीतना होता है, ना कि इस पॉपुलर वोट की बेस पे. ठीक है, इवन कि जो हिलरी थी उसका जो पॉपुलर वोट था वो यहाँ पे 2 पॉइंट आई गेस 2.8 मिलियन, अराउंड 3 मिलियन जो है, हिलरी का पॉपुलर वोट ज्यादा था. मतलब हिलरी के ट्रम्प से 30 लाख वोट ज्यादा थे. लेकिन इस 30 लाख वोट होने के ज्यादा होने के बावजूद भी वो ट्रम्प से इलेक्शन हार गई, बिकॉज अमेरिकन जो इलेक्शन है वो जीता जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलर वोट, सॉरी इलेक्टोरल वोट रादर देन ऑन द बेसिस. और दूसरा, ये प्रोसेस लंबा बहुत है. मतलब जो 2016 का इलेक्शन स्टार्ट हुआ 2015 में और एंड हुआ 2017 में. सो फॉर ऑल दिस डिबेट ऑन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन you have to wait for the next episode. यार वो साथ साथ बताएंगे, साथ साथ क्राउन प्रोक्लेमेशन जनाब, कुछ आप खुद भी नेट से ना या बुक से कंसल्ट किया करें. हर चीज फोन फिटिंग तो ना होती, तो चीजें मैं जान बूझ के छोड़ देता हूँ, तो वो इसलिए छोड़ता हूँ कि वो आप खुद किया करें. क्राउन प्रोक्लेमेशन बस ये था कि वेस्ट वर्ड एक्सपेंड नहीं करनी.